Hi, hello learner. This is Richa Sureka. Friends, a very warm welcome to our YouTube channel that is UGC Net JRF by Richa. Friends, as you know, हम इंडियन लॉजिक पढ़ रहे हैं. तो इंडियन लॉजिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जो कि सोर्स ऑफ नॉलेज है उसको भी वन बाय वन करके हमने डिटेल में पढ़ा विथ पी बाई क्यू. सो ऐसा ही इस वीडियो में भी हम करेंगे कि हम वर्बल टेस्टिमोनी यानी कि शब्दा और व्यक्ति इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके पी वाई क्यू भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट है कि वर्बल टेस्टिमोनी यानी कि जो शब्दा है, ये जो सोर्स ऑफ नॉलेज बताया गया, ये क्या है, किस चीज़ को डिफाइन करता है. तो जो वर्बल टेस्टिमोनी है, यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट इसको मानते हैं, कुछ स्कूल ऑफ थॉट इसको सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानते हैं. अच्छा, क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जहाँ पर भी कोई चीज़ अगर फिक्स नहीं मानी जाएगी, जैसे लेट सपोज कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं जिसका एग्जाम्पल या जिसका जो सोल्यूशन है वो फिक्स नहीं आ रहा, हर बार चेंज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते. तो उसी तरह शब्दा को क्या हुआ कि इन एंशंट टाइम वेदास वर कंसीडर टू बी द फिलोसफर, सम वेस्टर्न फिलोसफर टोटल रिजेक्ट द आइडिया इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज. कुछ जो फिलोसफर थे उन्होंने वर्बल टेस्टिमोनी यानी कि जो शब्दा है उसे जो है रिजेक्ट कर दिया. क्यों रिजेक्ट कर दिया? ये कह रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड नॉलेज है, यानी कि जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जाएगी सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में उसको फॉलो कर सकते हैं. जब सिचुएशन चेंज होगी तो चीज़ों का मतलब या सेंस जो है वो बदल जाएगा, इसलिए कुछ स्कूल इसको नहीं मानते हैं. फिर आगे देखते हैं, द मेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड डज नॉट प्रोवाइड अ वैलिड नॉलेज. कह रहा है कि कुछ केवल शब्दों के ग्रुप को, एक समूह को, इसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं माना जा सकता है. क्यों? ऑल द वर्बल स्टेटमेंट्स आर नॉट वैलिड. अगर कुछ वर्बल स्टेटमेंट है वो सभी को वैलिड नहीं माना जाएगा. फिर गौतमा यानी कि नया स्कूल में क्या आते हैं, गौतमा आते हैं, वो डिफाइन करते हैं शब्दा को, शब्दा प्रमाणा को, एज अ स्टेटमेंट इज रिलायबल पर्सन. अगर वो किसी रिलायबल पर्सन का स्टेटमेंट है तो उसे हम मान लेंगे. ठीक है, इन अदर वर्ड ट्रस्ट वर्दी पर्सन, उपदेशा उसको बोलेंगे, उन्होंने अपने उपदेश दिए. जैसे होते ना, किसी के उपदेश हैं तो उसको माना जाना चाहिए, या किसी के उपदेश हैं तो ये अच्छे होंगे. तो यहाँ पे ये है कि अगर केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर किसी रिलायबल पर्सन का या ट्रस्ट वर्दी पर्सन ने कुछ उपदेश दिया हुआ है तो उसको मानेंगे. ठीक है, उसको सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाएगा. अब इसमें कुछ स्टेप है, तो दो ही स्टेप है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, देयर इज अ परसेप्शन ऑफ द वर्ड ऑफ अ सेंटेंस अटर्ड बाय ट्रस्टवर्दी पर्सन. यानी कि पहली बात तो क्या होनी चाहिए कि जो भी सेंटेंस है वो किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने दिया होना चाहिए. जैसे विवेकानंदा ने कुछ कहा हो, इस तरह की बात, मतलब इस तरह के पर्सन ने किसी ने कुछ अपने उपदेश दिए हो, जैसे बुद्धा के उपदेश हैं, तो उस तरह के उपदेश होने चाहिए. नाउ सेकंड क्या है, देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड द कारणा. यानी कि अब उन्होंने अपने उपदेश, यानी कि किसी ट्रस्टवर्थी पर्सन ने कुछ बात तो कही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बोले, बट उसका कुछ ना कुछ पीछे कारण होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए और स्पेशल कॉज होना चाहिए जो भी हमें शब्द से नॉलेज मिल रही है. नाउ आई थिंक अभी थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा. अब और देखते हैं कि जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है, यानी कि जो शब्दा है उसमें सिक्वेंशियल ऑर्डर है, कंडीशन भी कह सकते हैं और सिक्वेंशियल ऑर्डर भी कह सकते हैं कि कैसा होना चाहिए जब कोई उपदेश दे रहा हो. तो सबसे पहली बात आती है कि उसमें आकांक्षा होनी चाहिए. आकांक्षा यानी कि जो लिसनर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप कुछ कहोगे. दूसरी बात आती है योग्यता. योग्यता मतलब कि कहने योग्य बातें होनी चाहिए ना, किसी पब्लिक में अगर आप कुछ कह रहे हो तो कहने योग्य बातें होनी चाहिए. फिटनेस ऑफ वर्ड नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड. कोई ऐसी बात नहीं बोलो जिससे कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए आपको फिटनेस. जिस सिचुएशन में जो शब्द कहना है, जो बात कहनी है, वही बात कहें. देन बात आती है सानिधि. सानिधि का मतलब आता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि सानिध्य होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं आपसे, आपको इंडियन लॉजिक पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैंने बोला कि सिक्वेंशियल ऑर्डर या कंडीशन होनी चाहिए, तो आपको समझ में आया. अभी मैं बोली हूँ सिक्वेंशियल ऑर्डर, कंडीशन,
मतलब आराम से पॉज ले लेके, जरूरत से ज्यादा अगर पॉज ले रही हूँ, एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा शब्द यहाँ लिखा हुआ है, सो ये क्या है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी थोड़ी ना, मतलब दूर दूर डिस्टेंस में कहीं पे भी फैले हैं वर्ड्स, तो उनको समझना मुश्किल है। सो उन वर्ड्स की क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है तात्पर्य। जो जो भी लोग हिंदी से होंगे उनको समझ में आएगा कि तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब होता है इंटेंशन, जैसे कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ठीक है? द इंटेंशन ऑफ स्पीकर, व्हाट ही वॉन्ट्स टू कंक्लूड, जो भी वो बात कंक्लूड करना चाह रहा हो उसी इंटेंशन में वो बात कही गई है, यानी कि डायरेक्शनल होनी चाहिए। अभी और अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे आकांक्षा है, आकांक्षा का मतलब क्या है यहाँ पे? इट इज द म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी और इम्प्लीकेशन दैट द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस हैव फॉर वन अनदर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस, ठीक है? यानी कि आकांक्षा का मतलब क्या हुआ? उसी सेंस में बात कहें जिस सेंस में आपके लिसनर हैं, जिस जो जैसे कि म्यूचुअल एक्सपेक्टेंसी, वो जो लिसनर है उसकी एक्सपेक्टेंसी और जो कहने वाला जो स्पीकर है दोनों की सेम होनी चाहिए, और वही बात कहें जिस बात में, जिससे रिलेटेड बात हो रही है। नेक्स्ट है योग्यता। योग्यता का मतलब क्या हुआ? इट कंसिस्ट दी फिटनेस ऑफ वर्ड की बात कही, कन्वे द सेंस शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्ट इन मीनिंग, मीनिंग में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो। जैसे अगर बोलते हैं कि वॉटर द प्लांट विथ फायर, वॉटर द प्लांट विथ फायर, इसका मतलब क्या हुआ? एक क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट हो गया ना, एक तरफ वॉटर भी आ रहा है एक तरफ फायर भी आ रहा है। सो इस तरह के सेंटेंसेस नहीं बोलने चाहिए। नेक्स्ट आता है सानिधि। सानिधि का मतलब क्या हो? इट कंसिस्ट द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ड वन अनदर विदाउट लॉन्ग इंटरवल, मतलब बहुत दूर दूर आपको नहीं बोलना है। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर लिसनर है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाँ अब ये वर्ड बोले हैं तो दूसरा वर्ड भी उसी मतलब टाइम ड्यूरेशन में बोलना चाहिए, नहीं कि बहुत लंबा पॉज ले लिया। नेक्स्ट आता है तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब क्या हुआ? इंटेंशन ऑफ द स्पीकर टू कन्वे द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? यानी कि जैसे किसी एक वर्ड के कई मीनिंग होती है, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि जब जैसे अगर हिंदी से होगा कोई तो उसको कनक वर्ड के बारे में पता होगा, ठीक है? तो कनक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है? एक तो वर्ड का एक होता है उसका मतलब गोल्ड, और एक का मतलब होता है कि सम पॉइजनस थिंग होती है, एक पेड़ होता है, एक पौधा होता है, उसके बीज होते हैं, उसको कनक कहते हैं। तो कनक का एक सेंस तो हो गया गोल्ड, और दूसरा सेंस क्या हो गया? जो पॉइजनस एक कोई बीज है उसकी बात हो रही है। तो अब जिस जो जो लिसनर है, अब अगर उसको कनक बोला तो वो क्या समझेगा? अगर गोल्ड से रिलेटेड बात हो रही होगी तो वो उसे समझेगा, ठीक है? और ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही रहेगी वो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेगा। एक और एग्जांपल है, कुछ आप लोग जानते होंगे कि सेंधा नमक होता है, ठीक है, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो जो सेंधा नमक होता है उसमें अगर सेंधा नमक की बात हो रही है तो क्या हो गया कि आप वहां पे अगर खाने पीने की बात हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि सेंधा इज रिलेटेड टू नमक, ठीक है? बट वही एक सेंधा होता है, सेंधवा होता है, जो हॉर्स, एक एक टाइप का एक हॉर्स भी होता है, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि अब आपको वहां पे समझना है अगर हॉर्स से रिलेटेड या जंगल से रिलेटेड जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में लिसनर को समझना है, ठीक है? तो ये बात यहाँ पर कह रहा है कि कहने का जो इंटेंशन है वो भी मतलब जो जो लिसनर है उसे भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात को समझना। नाउ देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शब्दा, शब्द का क्लासिफिकेशन। तो ये दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों को यहीं पे ध्यान से आप समझ लीजिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दो तरीके से है, एक है स्पिरिचुअल, दूसरा है सेक्युलर। स्पिरिचुअल मतलब क्या हो गया? वैदिका। वैदिका मतलब जो वेद, वेद के सोर्स, वेद जो जिसका सोर्स क्या है? वेद, ठीक है? जो वेद पुराणों में जो बात लिखी गई है वो एज इट इज सच मानी जाएगी, उसको फिर और कोई प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है? बट आती है बात नेक्स्ट की लौकिका। लौकिका का मतलब क्या हो गया कि जो लौकिक है, लौकिक मतलब जो दिखाई देता है, यानी कि जैसे कि अगर किसी
लेट्स सपोज कि अब्दुल कलाम ने कोई बात कही या विवेकानंद ने कोई बात की, तो इस तरह के लोग जो कि एक ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन है उन्होंने अपनी कोई बात कही, जो कि अच्छी पर्सनालिटी है, जो कि रेपुटेटेड, जिनकी बातों को हम फॉलो भी करते हैं, तो उसमें यहाँ पे ये बात है कि जब कोई लौकिक इंसान ने कोई बात कही तो उसको वेरीफाई किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो दो सोर्स ऑफ नॉलेज जो होगा यहाँ पर, दो तरीके से क्लासिफाई होगा, एक होगा स्पिरिचुअल जहाँ पे वेद से नॉलेज मिलती है, और दूसरा होता है सेक्युलर जहाँ पर कोई पर्सन, कोई रेपुटेटेड पर्सनालिटी अगर अपनी बात कहता है तो उसकी बात है कि यहाँ पर हमें वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, सो आपको ये दोनों क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जब हमें नॉलेज मिलती है, तो एक है दृष्टांता और दूसरा है अदृष्टांता। दृष्टांता का मतलब होता है वो नॉलेज जिसको कि हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू के ऐसे पता कर सकते हैं कि हाँ ये चीज यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, बट अदृष्टांता का मतलब होता है उस नॉलेज की बात हो रही है जहां पर जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, जैसे ट्रुथ, लव, हेट, ये सारी चीजें जिसको फील किया जा सकता है, दैट वी कैन नॉट टच, दैट वी कैन नॉट सी, तो ये होता है अदृष्टांता। तो शब्दा यानी कि जो वर्बल टेस्टिमोनी है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। नाउ अब इस बेस कुछ क्वेश्चंस हैं उसे देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द एनवायरमेंटल वैल्यू एंड एडवोकेट बाय आवर एंसेस्टर, अ स्कॉलर साइट्स द एग्जांपल फ्रॉम वेदा द मीन्स ऑफ नॉलेज यूज बाय हिम और हर इन टर्म्स ऑफ इंडियन लॉजिक। अब बताया था कि जहां पे जिसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हो, वेदा है, तो वो क्या होगा, अनुमना होगा, अर्थापट्टी, शब्दा या उपमना। तो क्या है वो, शब्दा, अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा। नेक्स्ट है उपामिति इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड डिनोटेशन। यहाँ पे कह रहा है कि उपामिति है जो जिसमें डिफाइन किया गया है, द डिफाइन एज नॉलेज ऑफ अ रिलेशन बिटवीन द वर्ड एंड डिनोटेशन। तो देखिए उपामिति अभी आपको तो नहीं बताया है मैंने, बट ये बात स्टेटमेंट ही सही कह रहा है कि जो उपामिति इज डिफाइन एज, जहाँ से जो नॉलेज मिलती है वो रिलेशन होता है दो चीजों के बीच में, वर्ड और उसका डिनोटेशन, कैसे उसको डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, उसको उपामिति कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि वर्बल टेस्टिमोनी इज द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रस्टवर्दी पर्सन एंड कंसिस्ट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। कह रहा है वर्बल यानी कि जो शब्दा है वो क्या है, किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने कोई बात कही गई हो और उसकी कोई मीनिंग हो, तो उसे ये मतलब वर्बल टेस्टिमोनी शब्दा की सोर्स ऑफ नॉलेज माना जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये अभी हमने पढ़ा। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट वन एंड टू। नाउ जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यक्ति, व्यक्ति समझ लेते हैं, ये क्या ही काफी इंपॉर्टेंट है, सो बहुत ध्यान से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्ति थोड़ा बहुत हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है, आई थिंक पार्ट 3 या 4 में हमने इसको कवर किया है व्यक्ति को। अगर अभी आपने नहीं पढ़ा तो एक बार वहां से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी काफी कुछ चीजें मैंने बताई हुई है। नाउ देखते हैं जो व्यक्ति है वो कैसा रिलेशन होता है, व्यक्ति रिलेशन होता है साध्या और हेतु के बीच का रिलेशन। साध्या मतलब कि आप जानते होंगे, संध्या बताया था ना, हर किसी की फ्रेंड, मतलब आप में से किसी ना किसी की फ्रेंड का ग्रुप में कोई ना कोई संध्या नाम की लड़की होगी, तो आप समझ लीजिए कि संध्या जो है वो बहुत बड़ी है। तो संध्या मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि मेजर टर्म, ठीक है, तो मेजर टर्म, और हेतु होता है मिडिल टर्म। ठीक है, मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच का रिलेशनशिप क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, अब समझते वी, वी आया ना व्यक्ति, तो वी का मतलब होता है विशेष, ठीक है, और अप्ति, अप्ति का मतलब होता है संबंध। तो व्यक्ति क्या होता है, एक विशेष संबंध रखता है किसी चीज के साथ। जैसे आपके एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा जो रिलेशन की बात होती है वो यहाँ पर फायर और स्मोक से रिलेटेड बात होती है, तो फायर और स्मोक का एक विशेष संबंध है, उस संबंध को व्यक्ति कहते हैं। इंग्लिश में विशेष संबंध को इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस भी लिखा रहेगा कई जगह, तो जहां पे भी वर्ड आपको आए द रिलेशन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस व्हाट इट इज, तो आप क्या आंसर करेंगे, व्यक्ति। तो द इनवेरिएबल रिलेशनशिप बिटवीन द मिडिल टर्म एंड द मेजर टर्म इज कॉल्ड द व्यक्ति। We know that smoke is invariably associated with fire. Invariable का मतलब होता है without any condition, without any
कंडीशन, ठीक है। सो ये चीज है इनवैल्यूएबल का मतलब। अब टाइप्स ऑफ व्यक्ति, तो व्यक्ति के देखिए कुछ क्लासिफिकेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी करा दिए हैं, जो रह गए हैं वो यहाँ पर हम समझ लेंगे। तो व्यक्ति के क्लासिफिकेशन में आता एक होता है साम्या व्यक्ति, दूसरा होता है असाम्या व्यक्ति, ठीक है। तो साम्या व्यक्ति का मतलब क्या हुआ, जो सेम रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि अगर ए और बी का जैसा रिलेशन है वैसा ही रिलेशन बी का ए के साथ में है तो उसे बोलेंगे साम्याव्यक्ति, ठीक है। साम्याव्यक्ति को और क्या बोलते हैं, इक्विपोलेंट कॉनकॉमिटेंस। अव्यक्ति बिटवीन द टर्म्स ऑफ इक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड द साम्याव्यक्ति, इक्विपोलेंट कॉनकॉमिटेंस, इसको इक्विपोलेंट कॉनकॉमिटेंस भी कहते हैं। लेट सपोज एज, जैसे यहाँ पर एक समझ लीजिए कि एक राधा है और यहाँ पर समझ लीजिए कि रानी है, ठीक है। दो दो यहाँ पर फीमेल है, तो राधा का रानी ये दोनों क्या है, सिस्टर है, ठीक है। तो अब राधा रानी की सिस्टर है और रानी राधा की सिस्टर है, तो दोनों क्या हो गई, सिस्टर सिस्टर हो गई, ठीक है। बट अगर यहाँ पर एक कोई और कोई मेल आ जाता, लेट सपोज इज कि यहाँ पे राधा है और इधर अमित है, ठीक है। अब अमित और राधा के बीच में रिलेशन की बात करें तो कि दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है, तो राधा क्या हो गई, ये सिस्टर हो गई अमित की, बट अमित क्या हो गया, ये हो गया ब्रदर। तो यहाँ पर इक्वल रिलेशनशिप नहीं आ रहा है ना, एक सिस्टर ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर है, तो इक्वल नहीं कर सकते, बट फर्स्ट सिचुएशन में इक्वल कर सकते हैं, तो इसी को इक्विपोलेंट कहते हैं। जब इधर से सॉरी जब इधर से इधर का जो रिलेशन है और इधर से इधर दोनों ही रिलेशन सेम हो, इक्वल होगा, तो उसे साम्याव्यक्ति बोलेंगे। एंड नेक्स्ट है असाम्याव्यक्ति, द व्यक्ति रिलेशन बिटवीन द टर्म्स ऑफ अनइक्वल एक्सटेंशन इज कॉल्ड द असाम्याव्यक्ति, ठीक है। तो उसे असाम्य, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी होगा तो वो भी असाम्याव्यक्ति होगी, लेकिन सिस्टर सिस्टर रिलेशन है, ब्रदर ब्रदर रिलेशन है, तो वो साम्यवर्ती हो जाएगा, ठीक है। फायर इज प्रेजेंट इन ऑल केस वेयर स्मोक इज प्रेजेंट, ठीक है। जहां जहां भी स्मोक होगी वहां वहां फायर होगी, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट अगर इसका रिवर्स करें तो जो है वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। जहां भी फायर है वहां स्मोक होगी, दैट इज ट्रू, बट जहां जहां स्मोक है वहां फायर हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसी रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। इट इज द रिलेशन ऑफ नॉन इक्विपोलेंट एंड कॉनकॉमिटेंस बिटवीन दी टू टर्म्स, हियर वी कैन इन्फर वन टर्म फ्रॉम अदर बट नॉट वाइस वर्सा। तो आई थिंक अभी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, साम्या असाम्या व्यक्ति। अब टाइप्स ऑफ, एक और तरीके से व्यक्ति को समझना है, एक होता है अन्वाया व्यक्ति, दूसरा है व्यक्तिका व्यक्ति। अन्वाया और व्यक्तिका, अन्वाया व्यक्तिका ये हमने पहले भी पढ़ा है। अन्वाया का मतलब होता है जहां पर कोई चीज प्रेजेंट हो तो उसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, जहां पर कोई चीज एब्सेंट हो तो व्यक्तिका उसको कहते हैं, ठीक है। तो अन्वाया का मतलब क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ व्यक्ति इज बेस्ड ऑन फिक्स अफर्मिटी बिटवीन दी हेतु एंड साध्या। व्यक्ति है तो हमेशा हम बात करेंगे किसकी, मेजर टर्म, एंड बात होगी हमारी मेजर टर्म और मिडिल टर्म की बात होगी हमेशा। तो ये क्या होगा कि द टाइप्स ऑफ व्यक्ति बेस्ड ऑन फिक्स अफर्मिटी बिटवीन दी हेतु यानी कि मिडिल टर्म, ठीक है, और साध्या यानी कि मेजर टर्म, एंड बिटवीन द रीजन एंड एक्शन व्हाट एवर द हेतु एग्जिस्ट ऑलवेज साध्या इज ऑल्सो एग्जिस्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंस की बात होगी, देखिए पॉजिटिव सेंस में है और यहाँ पर प्रेजेंस की बात होगी और यहाँ पे एब्सेंट होगा, ये बात ध्यान रखना है। व्यक्तिका व्यक्ति में, व्यक्तिका में मींस दी एब्सेंस होता है और इंस्टेंस ऑफ साध्य यानी अग्नि इज एब्सेंट हेतु, कह रहा है कि अग्नि जो है वो एब्सेंट होगी जहां पर धुआं हो, तो इसको वो कहा जाएगा व्यक्तिका व्यक्ति। जैसे कि पॉन्ड में, पानी का कोई पॉन्ड है तो वहां पर क्या होगा कि अगर वहां पे धुआं निकल रहा है तो वहां पे अग्नि कैसी होगी, एब्सेंट होगी। अब आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर एक स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक चीज तो समझ लिया कि मेजर टर्म और मिडिल टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्ति, आपकी ये बात समझ में आ गई है।
नेक्स्ट रिलेशन आपको समझना है. देखिए आपके पास कौन कौन से टर्म है, मेजर टर्म है, मिडिल टर्म है और माइनर टर्म है. तो एक आपने समझ लिया कि मेजर और मिडिल टर्म के रिलेशन को क्या बोलते हैं, व्याप्ति. ठीक है, अब आपको समझना है कि अगर मिडिल टर्म और माइनर टर्म है ये दोनों एक साथ हैं तब कौन सा रिलेशन होगा, तो उसको बोलते हैं पक्षधर्माता. ठीक है, पक्षधर्माता क्यों कहते हैं, देखिए जो माइनर टर्म होता है ना उसको पक्षा कहते हैं. ये बात आपको आई थिंक पता होगी कि इसको पक्षा कहते हैं, एक पक्ष की बात होती है. तो जो माइनर है वो है पक्षा, ठीक है, और उसको हम जोड़ रहे हैं किसके साथ, मिडिल टर्म के साथ. तो जब मिडिल और माइनर टर्म जुड़ेगी तो पक्ष धर्माता बनेगा. क्यों, क्योंकि माइनर टर्म को क्या कहते हैं, पक्षा कहते हैं, ये यहीं से निकला है. नाउ नेक्स्ट, अब एक और रिलेशन आपका बन जाता है जहां पर होता है मेजर टर्म प्लस आती है माइनर टर्म. तो मेजर टर्म और माइनर टर्म इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, प्रमसा बनता है. प्रमसा मैंने ऐसे याद किया था कि देखिए माइनर टर्म को बोलते हैं पक्षा, ठीक है, और मेजर टर्म को मेजर ही रहने देते हैं. तो क्या हुआ कि इसको पक्ष, यानी कि यहां से इसका प ले लिया गया, पक्षा का प ले लिया और प्रमसा यहां से ले लिया गया. ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है, प्रमसा. ये बात आपको याद रखनी होगी, ये चीज बार बार पूछता है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो अब इसको समझिए, पक्षा यानी कि ये क्या है, माइनर टर्म है, पक्षा है आपकी माइनर टर्म. तो द सब्जेक्ट और द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रूव्ड इज सस्पेक्टेड इज कॉल्ड द पक्षा. द माउंटेन इज फायरी. देखिए आपको पहले ही बताया था कि जो माइनर टर्म होती है वो कंक्लूजन का क्या होती है, सब्जेक्ट होती है. ठीक है, और पक्षा क्या है, एक माइनर टर्म है. और आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है, जो फायर है जो सबसे बड़ी होती है वो क्या है, मेजर टर्म है और उसको साध्या कहते हैं. जो बीच में निकलता है यानी कि ये पहाड़ी है और यहाँ पर बीच बीच में ऐसे धुआं निकल रहा है, ये क्या है, आपकी मिडिल टर्म है. और ये जो पहाड़ी है जहां पे ये सब चीजें आपकी हो रही हैं इसको बोलते हैं पक्षा, दैट इज कॉल्ड द माइनर टर्म. तो माउंटेन इज फायरी. इन दिस स्टेटमेंट द फायर इज सेट ऑन द माउंटेन एंड द माउंटेन इज कॉल्ड द पक्षा. माउंटेन क्या है, पक्षा यानी माइनर टर्म है. ठीक है, पक्षा दो तरीके से होती है, एक होती है सपक्षा एक होती है विपक्षा. तो सपक्षा का मतलब क्या हुआ, द प्लेस वेयर द पक्षा डेफिनेटली एग्जिस्ट इज कॉल्ड सपक्षा. तो सपक्षा का मतलब क्लियर हो गया, जहां पर चीजें डेफिनेटली एग्जिस्ट है उसको सपक्षा बोलेंगे. जैसे कि किचन वेयर द फायर डेफिनेटली एग्जिस्ट. नेक्स्ट है विपक्षा, द प्लेस वेयर द एब्सेंस ऑफ साध्या इज ऑलरेडी प्रूफ. जहां पर साध्या यानी मेजर टर्म एब्सेंट है ये बात प्रूव हो चुकी है वो है आपका विपक्षा. ठीक है, जैसे लेक में फायर नहीं होगी तो ये बात प्रूव हो चुकी है, अगर फायर नहीं होगी तो मतलब लेक में स्मोक भी नहीं होगा. द एग्जिस्टेंस ऑफ हेतु यानी कि धुआं और द पक्षा इज कॉल्ड द पक्ष धर्माता. नेक्स्ट आता है साध्या, जो कि हमारी सबसे बड़ी टर्म होती है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, मेजर टर्म. ठीक है, द प्रेजेंस और द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज टू बी प्रूव्ड बाय पक्षा इज कॉल्ड द साध्या. साध्या इस बात को प्रूव करेगी कि मतलब पक्षा है या फिर नहीं. द फायर एग्जिस्ट ऑन द माउंटेन हियर द फायर इज द साध्या विच हैज टू बी प्रूव्ड. तब वो प्रूव होगा कि यहाँ पर साध्या है और मतलब पक्षा के होने ना होने का जो संयोग है वो साध्या ही बताएगी. नाउ आता है हेतु, जिसको कि रीजन कहते हैं और इसको मिडिल टर्म भी कहते हैं. हेतु, रीजन, मिडिल टर्म. ठीक है, विच विथ विच नॉलेज इज एग्जिस्ट और द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रूवन बाई प्रूवन ऑन पक्षा इज कॉल्ड द हेतु. द रीजन फॉर द ऑब्टेन अ पर्टिकुलर नॉलेज इज नोन एज हेतु. ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है कि धुआं जो है, जो मैंने बताया ना कि पहाड़ी है उसके बीच बीच में धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं क्या है, मिडिल टर्म है, उसको हेतु कहते हैं. हेतु टू बी प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ अग्नि ऑन पूर्वादा. ठीक है, तो ये बात है आपकी हेतु यानी रीजन यानी मिडिल टर्म की. नाउ अब देखते हैं कि इस पे बेस कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा. ऑल नॉलेज ऑब्जेक्ट आर नेमेबल. ठीक है, The pot is knowledgeable object, therefore pot is nameable. तो कह रहा है कि जो भी चीजें
द नॉलेज ऑब्जेक्ट आर नेमेबल, जो भी जिस भी चीज को हम जानते हैं उसको हम नेमेबल नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो पॉट को हम जानते हैं तो इसलिए पॉट को हम एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कौन सी चीज का एग्जाम्पल है, केवल अनवाई, केवल व्रैतिकी, अनवाया व्रैतिकी और सिसावट। तो यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है, किसी चीज के प्रेजेंस होने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल अनवाई, यानी जब कोई चीज प्रेजेंट होगी तो केवल अनवाई होगी। नेक्स्ट है इन अकॉर्डिंग विद इंडियन लॉजिक विद एग्जाम्पल, लॉजिक में जब किसी चीज का एग्जाम्पल लेंगे तो वो क्या हो गया, प्रत्यक्षा, उपमना, हेतवाभास और व्यक्ति। व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति दो चीजों के बीच के इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस होता है। इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस का मतलब क्या होता है कि बिना विदाउट एनी कंडीशन अगर कोई नॉलेज मिल रही है तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इन्फर द रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग द मटी वाटर इन द पाउंड। अब देखिए यहाँ पर आपकी प्रीवियस नॉलेज यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि हमने कुछ देखा, मटी वाटर देखा, ठीक है, यानी कि कुछ कीचड़ वगैरह देखा किसी पाउंड में। तो हमें क्या करना है कि हम अब पास्ट के बारे में इन्फर कर रहे हैं कि क्या पास्ट में बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। तो जब मैंने बताया था आपको कि जो मटी वाटर अगर आपने देखा, ये क्या देखा, ये कुछ शेष देखा, शेष देखेंगे और हम पास्ट के बारे में कुछ इन्फर करेंगे। तो शेष से क्या याद रखना आपको, सेसावर, ठीक है, इसका आंसर सेसावर अनुमान हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये कुछ भी नहीं है, द वॉटर ऑफ द पाउंड इज मडी, इट मस्ट हैव रेन लास्ट नाइट, व्हाट काइंड ऑफ अनुमाना हैज बीन प्रूव इन द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए मैंने फिर से आपको अभी ये क्वेश्चन हमने किया कि हमने पाउंड में क्या देखा, मडी वाटर देखा, तो हम इसे क्या इन्फर करेंगे कि पास्ट में बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। तो मडी वाटर क्या है, शेष है, और शेष से हमको पता चलता है कि ये सेसावत है, ठीक है, शेषावत होगा। और यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, पूर्वावत अनुमाना भी नहीं है, तो आंसर ओनली ए होगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये दोनों ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि व्यक्ति क्या है, शब्दा क्या है, और हमने प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस किए। तो फ्रेंड्स जैसा भी लगा हो आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ताकि मैं अपनी वीडियो को और अकॉर्डिंगली आपके जैसा बना सकूँ, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। और फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं आपको नोटिफिकेशन, क्विजेस वगैरह प्रोवाइड करती रहती हूँ, और आने वाले टाइम में मैं आपको यहीं पे ही पीडीएफ वगैरह भी दूंगी। सो आप यहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।